हैप्पी टीचर्स डे। किशोरीलाल जी, हर्षिता, शोनकार जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग हर्षिता। हर्षिता बच्चे क्या हाल है आपकी वेबसाइट के? थैंक यू बच्चे, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू मेरे बच्चा। कैसे हैं आप और कैसी है आपकी वेबसाइट अभी? अच्छी है सर, मेरा थीम चालू है अभी। किस पे बना रहे हो? आई क्लिनिक पे सीखने के लिए। अच्छा, नहीं आपने बिक्स पे लिया है या आपने? नहीं बिक्स पे नहीं है, वर्डप्रेस पे ही। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखें। और बिक्स पे आपने ट्राई किया? जी नहीं सर, मैं आज ट्राई करने वाली। बहुत लेट चलते हो बेटे। थैंक यू किशोरीलाल जी, हैप्पी टीचर्स डे टू यू टू सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। किशोरीलाल जी, आपने ट्राई किया बिक्स? यस सर। जी यस सर, किया हूं मैं, बना है, काफी कुछ बन गया सर उसमें। अच्छा, एक्सपीरियंस हुआ? हाँ। ग्रेट ग्रेट। स्वर्णकार जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है सर बिक्स के साथ? हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है जी। हाँ, लेकिन बना रहा हूँ अभी, आधा बनाया है। अच्छा, बिक्स पे ट्राई किया है? हाँ, बिक्स पे ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसको लेके जाना जो है वो उचित नहीं लगता है। लेके जाना मतलब आगे? हाँ हाँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप लेके दोनों में से कोई भी लेके चल सकते हो, बट पर्पज है कि आप के दिमाग में जो वेबसाइट बनाने का जो बातें हैं वो बिक्स पे बड़ी आसानी से क्राफ्ट हो सकती है। क्राफ्ट, हाँ, यहाँ से उठा के ये रखा, यहाँ से उठा के ये रखा, यहाँ ये लिख दिया, यहाँ फोटो लगा दी। अब आपके पास प्रोटोटाइप आ गया, उसको आप बिक्स में वैसे के वैसे डिजाइन करके, बिक्स आपका वर्डप्रेस टाइम लेगा बट वो हमारा लॉन्ग रन होगा, हमारा उसका उसका फायदा ज्यादा है। विक्स में आप अपने आइडिया को एकदम से बाहर ला सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास। तो आप एक एक चीज दोनों पे हाथ अजमाओ, आप पक्के हो जाओगे अपनी वेबसाइट। तो आज मैं विक्स पे आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलना चाहता हूं। चलिए विक्स पे चलते हैं। यहां से अगर आपने अपना अकाउंट बना लिया है तो फिर सीधे आपको एडिट साइट पर जाना है। या एड साइट पे मैं वापस लेके चल रहा हूं, एक नई साइट आपके लिए, क्रिएट न्यू साइट, यहां से फिर लेके चल रहा हूं आपको। तो आप इनिशियली कैसे जाओगे? और उस दिन हमने ADI लिया था, आर्टिफिशियल डिजाइन इंटेलिजेंस, यानी ADI से डिजाइन कर रहे थे। आज हम सेकंड ऑप्शन से जाएंगे, बिजनेस लिया, चूज अ टेम्पलेट, सी द टेम्पलेट चूज किया, अब अपने आप बनाएंगे। कमिंग सून, लैंडिंग पेज, कंस्ट्रक्शन कंपनी, द कंसल्टेंट, कंसल्टिंग एंड कोचिंग, जिस तरीके की भी आप लेना चाहते हो। मैंने कंसल्टिंग एंड कोचिंग लिया, द
कंसल्टेंट, सक्सेस कोच, आईटी सर्विसेज, हेल्थ कोच, लैंडिंग पेज, कोई भी एक तरीका, बहुत सारे ऑप्शन है, बिजनेस एडवाइजर, बिजनेस कोच, सक्सेस कंसल्टिंग, इतने सारे टेम्पलेट्स हमारे पास ऑलरेडी बने पड़े। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। स्वर्णकार जी, आप बताएं मुझे अपनी, आप क्या क्या आपका काम है? मेरा रेकी हीलिंग का वर्क है। अच्छा, रेकी। अच्छा, मैं रेकी मास्टर हूँ। तो रेकी मास्टर हैं सर, यहाँ फिर हम देखते हैं आपके लिए, आप हेल्थ कोच में आपका कहीं फॉल करेगा, सक्सेस कोच, हेल्थ कोच, ये लीजिए। यहाँ मैंने एक वेबसाइट ली, हेल्थ कोच, हेल्थ रिलेटेड कोचिंग है आपकी, वहीं रेकी लिख देंगे हम। हाँ। आपके लिए एक टेम्पलेट उठा के ला रहा है और उसमें मैं आपके लिए, आप मुझे बस बताते चलना, मैं आपके लिए उसे क्रिएट करता चलता हूँ, यही काम आप कर सकते हैं। ये ओपन करने में 2-3-5 मिनट लेगा। ये ओपन हो गया सर, एक बेसिक आपकी वेबसाइट आ गई। अब यहां पहले इसका प्रीव्यू देख लेंगे, दिखाई कैसे दे रही है और हमें कहां कहां चेंज करना है। सबसे ऊपर ये यहाँ लोगो डाल देंगे हम, जहां इसका ये लोगो पड़ा है, जहां नाम लिखा है वहां नाम लिख देंगे, और ये 5 पेज ऑलरेडी इसने हमें दिए हैं, और ऑफर का भी स्ट्राइप इसने ऊपर दे दिया। ये ऑफर का क्या स्ट्राइक दिया है ना, एक छोटी सी स्ट्राइप दी है, 10% ऑफर चल रहा है कोविड लॉकडाउन में, आप ऐसे लिख सकते हो अगर आप रेकी बुक करते हो। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन। तो देखिए अब आपके लिए, अब इसको हम, इसकी फोटो की जगह आपकी फोटो, मुझे आप अपनी फोटो ग्रुप में डाल देंगे, कोई फोटो आपके पास हो व्हाट्सएप पे, तो वो डालने में तो टाइम लग जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कोई फोटो लेके डाल दूंगा, आप उसे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ सबसे ऊपर कोने पे बैक टू एडिटर गया, बैक टू एडिटर। अब मुझे इसका सारा हिसाब किताब बदलना है, तो मुझे, मेरे पास यहाँ 5 पेज है, होम पेज है, अबाउट है, हेल्दी लिविंग, रेसिपी, प्रोग्राम, कॉन्टेक्ट, तो ये मेरा होम पेज है। अब इसमें एक एक चीज को मैं बदल सकता हूँ। अब एक एक चीज को बदलने के लिए यहाँ, किस नाम से आपकी फॉर्म सर? ये रेकी सागर नाम से है, वैसे अभी जो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने नाम के साथ कर रहा हूँ, एसडी स्वर्णकार। बताइए मुझे एसडी स्वर्णकार। हाँ, जो डोमेन नेम लिया है वो sdswarnakar.in लिया है। अच्छा, टैगलाइन क्या लिखते हो सर? टैगलाइन तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसमें वैसे ट्राई किया है, विक्स में 2 पेज बनाए हैं मैंने इसी तरीके से। अच्छा हाँ, लीजिए सर, मीट एसडी शॉनकार। क्या लिखते हैं आप, सर्टिफाइड रेकी एक्सपर्ट? नहीं, रेकी ग्रैंड मास्टर। आपकी कोई फोटो नहीं पड़ी सर आपके पास? नहीं, मैं जो बना रहा हूँ वो लिंक आपको मैं दे रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ, नहीं मुझे सिर्फ फोटो दे दो आप, मैं यही, मैं हैंडी बता देता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि यही करना है। तो फोटो मैं इस पे व्हाट्सएप पे देता हूँ। व्हाट्सएप पर फोटो दे दो कोई।
मैं आपके नाम नूम बदल रहा हूँ या बस आपसे पूछता जाऊंगा। जहां जहां उसका नाम लिखा हुआ है इस लड़की का, वहां मैं आपका लिख रहा हूँ, जहां उसकी फोटो है वहां आपकी फोटो लगा दूंगा, जहां उसका एड्रेस है वहां आपका एड्रेस। जिसको नहीं समझ में आया मुझे पूछते जाना। रेकी में आप क्या क्या करते हैं सर, मुझे थोड़ा थोड़ा बताएंगे? मैं रेकी हीलिंग करता हूँ, रेकी पढ़ाता हूँ और कपिंग थेरेपी करता हूँ। एक मिनट, ये मैं एक एक लिखता चलता हूँ। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रेकी। आई जस्ट जॉइंड। कोई बात नहीं, मैम शुरू कर रहे हैं अभी हम। रेकी हीलिंग हुई और मैम वो क्या नाम है सोनकार जी, और क्या करते हैं? रेकी हीलिंग, रेकी टीचिंग और ईएफटी हीलिंग, कपिंग थेरेपी। एक मिनट, ईएफटी हीलिंग, ईएफटी हीलिंग होती क्या सर, बताओ थोड़ा हमें भी ज्ञान हो। ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। अरे वाह, ये एक्चुअली एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का एडवांस रूप है। अच्छा अच्छा, इसमें अफर्मेशंस के साथ टेपिंग होती है। अच्छा, और क्या सर आप इनका भी एक सेशन फ्री वाला में 9 बजे में कराइए ना। स्वर्णकार जी आपसे गुजारिश है, एक दिन करो ना जी, एक एक वेबिनार रखो, हमारे बाकी लोगों को भी आपकी इन सेवाओं से हेल्प मिले सर। ईएफटी हीलिंग कराइए सर, ईएफटी हीलिंग बहुत बढ़िया रहेगा। EFT का पूरा नाम ही लिखता हूँ, इमोशनल इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आजकल लोगों को इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इमोशनल है बहुत ज्यादा, डाउन है इमोशनली। चौथा नाम बताएं सर, क्या बताया था आपने? कपिंग थेरेपी। स्पेलिंग? CUPPING, कपिंग थेरेपी। ये क्या होती है सर? सर कपिंग आप कर लेते हैं? इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। ये सक्शन होता है, इसमें स्किन के ऊपर कप्स लगा करके वैक्यूम क्रिएट अच्छा, करते हैं अच्छा, अच्छा, ठीक है। और ये एक्चुअली पेन मैनेजमेंट के लिए होती है, किसी भी किस्म का पेन है उसके लिए। सर एक एक सेक्शन, एक एक सेमिनार इनका करवा दो, एक महीना बुक कर लो इनका। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, जरूर। सर मुझे तो समझ नहीं आया ब्लॉग में, क्योंकि मेरा आर्टिकल लिखना है। आप मेरी साइट देखिएगा सर, आपको कैसी लगी वर्डप्रेस वाली? मैंने आज 5-6 अपलोड करे हैं, कुछ चेंजेस करे हैं, और आप मुझे फिर, मुझे इसमें नहीं समझ आया कि मेरा ब्लॉग सारा कैसे रहेगा इसमें। यहाँ स्टैटिक तो बहुत बढ़िया बन जाएगी, लेकिन आई डोंट नो ब्लॉग बनेगा कि नहीं, वो नहीं समझ आई। देखिए मैं आपके, ठीक है मैम स्वर्णकार जी, मैंने यहाँ आपके नीचे टेस्टिमोनियल भी लिख दिया, ये हो गया आपका। देखिए ये मान लिया किशोरी लाल जी का ही नाम लिख देता हूँ मैं, ये लीजिए आपका टेस्टिमोनियल बन गया, एक एक बन गया। मैं जल्दी में एक ही बना देता हूँ, बाकी दो और ये ऑरा रीडिंग भी करता हूँ। एक मिनट, मैंने तो लिख दिया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और
आपकी वेबसाइट बन रही है, देखो सर अभी। मैं बस आप लोगों की तरफ से लिख रहा हूं, बस एक ये डेमोंस्ट्रेशन है। और ग्रेट हीलर, बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे को। और ये किसकी तरफ से लिख दूं, हर्षिता की तरफ से अपनी लिख। तरफ से लिखिए, अपनी तरफ से। चलिए जी, ये हो गया। आपको 3 टेस्टिमोनियल मिल गए, ऑनलाइन कंसल्टेशन, एक घंटे 30 मिनट। कैसे देते, कैसे हैं सर, ऑनलाइन दे सकते हैं सर्विस को आप? यस, ऑनलाइन देता हूं मैं 20 से 30 मिनट। 20 से 30 मिनट, चलिए आपकी ऑनलाइन भी प्लान कर देते हैं। ये हो गया आपका फोन नंबर सर, यहाँ आपका फोन नंबर डाल देंगे, info@। बस अभी ऐसे ही डाल रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये लीजिए सर, आपकी इन्फो आपने डाला सर, फोटो। हाँ, फोटो डाला मैंने अपना। अच्छा, वेबसाइट पे फोटो आया नहीं सर अभी आप। अच्छा, अच्छा, हाँ, भेजा नहीं था, अब गया। आ गया सर। एफटी और कपिंग थेरेपी का आप दो सेशन, जिनसे एक एक आप जरूर, आप रिक्वेस्ट है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, कपिंग का तो डिमोन्स्ट्रेशन देना जो है वो नहीं बनेगा ऑनलाइन। वो तो सामने ही है। हाँ, क्योंकि उसमें ईएफटी का एक्सपीरियंस जरूर कराया जा सकता है सबको, कि हाँ भाई, आपके जो दर्द हैं वो कैसे निकलेंगे। ईएफटी का कराया जा सकता है, हीलिंग सेशन रेकी का दिया जा सकता है ग्रुप के, ताकि सब लोगों को हीलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए। ये देखिए, मैं अब इनकी फोटो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने ली और जो एग्जिस्टिंग फोटो थी उसको मैंने अपलोड कर दिया। और ये एक से ज्यादा आपकी फोटो आ गई, या मुझे इसको एक फोटो बनाना है तो मैं इसकी सेटिंग चेंज करूंगा। सेटिंग चेंज करूंगा, पहले टाइल थी, अब मैं इसको स्केल टू फिल कर दूंगा, यानी एक ही फोटो बन गई। अब इसका प्रीव्यू अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी इस मेहनत में कमियां क्या रही। ये देखिए, एसडी स्वर्णकार, हेल्दी लिविंग विद एसडी स्वर्णकार,
A healthy life is within reach. Online consultation with SD Shwankar. ये अब नीचे ये फोटो भी चेंज कर दूंगा. What specialization आपका? Reiki healing, Reiki teaching, emotional freedom technique healing, cupping therapy, personalized consultation plan. और ये the journey towards health begin on the path of self love. Begin your journey today with SD Shwankar. और ये तीन टेस्टिमोनियल आ गए, किशोरीलाल जी का, रेणु सोपती जी का, लोकपाल सिंह का, यही. और ये आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन यही बुक करना चाहते हो तो यहाँ इसको अभी चेंज कर देंगे. ऑनलाइन कंसल्टेशन 30 मिनट के इतने रुपए हैं, जिसको बुक करना है यही बुक कर ले. 10% ऑनलाइन बुकिंग ऑफ, रेकी कोड यूज करो और अभी बुक करो, 10% ऑफ है आपको. यहीं से, यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप, यानी लोगों को यहीं से किसी को अपनी एंट्री डालनी है वो यहाँ से अपना फोन नंबर डाल के आपको सब्सक्राइब कर लेगा. बुक करना है तो फॉर्म भर देगा और नीचे लिख के आ गया क्रिएटेड बाय एसडी स्वर्णकार सेल्फ, प्राउडली क्रिएटेड विद bix.com. ईमेल, फोन नंबर आ गया, यहाँ फेसबुक, और ये सब आप यहीं से लगा सकते हो. हार्डली 10 मिनट लगे और इसको अभी डोमेन से कनेक्ट करो और रेडीली अभी तैयार हो गई आपकी वेबसाइट. अब यहाँ देखेंगे आपकी फोटो जो है इस तरफ दिखाई दे रही है और वेबसाइट इस तरफ है, तो मुझे ये फोटो चेंज करनी चाहिए. फोटो को मैं चेंज करता हूँ, वापस एडिटर पे जाता हूँ. सर अभी मैंने जो बनाया है वो मैंने उसका लिंक अभी इस पे पोस्ट किया है. अच्छा हाँ, इसी तरीके से एडिट किया है तो वो होम पेज और अबाउट अस पेज जो है वो मैंने क्रिएट किया था, यानी उसको ट्राई किया था क्रिएट करने का, तो वही अभी मैंने डाला है उसका लिंक सर. चलिए वो भी देख लेते हैं सर. ये मैंने आपके चेहरे की दिशा बदल दी सर. अभी आप उस तरफ देख रहे थे कोने की तरफ, अब आप वेबसाइट की तरफ देखेंगे और ये आपकी दिशा बदल गई. बैकग्राउंड चेंज हो गया और बैकग्राउंड की सेटिंग को मैं यहाँ से स्केल टू फिल करूंगा. ये लीजिए साहब, अब आप इधर देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी लग रही फोटो. फोटो को और चेंज करना है तो मैं और इसको कुछ मैंने छोटा कर दिया और साइज का ऊपर नीचे बढ़ा सकता हूं मैं. जहां जहां इमेज चेंज करनी है फिर से ये इमेज, इस बार इधर देखने वाली इमेज लगा दी मैंने आपकी. ये लीजिए, ऊपर आप इधर देख रहे हैं, नीचे आप इधर देख रहे हैं. ये आपकी वेबसाइट 80% से ज्यादा काम आपका हो गया. आपको यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी, यहीं अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐड कर दोगे तो आपका पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी. ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप इस पे. पर ये 5 पेज आपके हो गए तैयार. अब इन पेजों के नाम बदलने हैं, बहुत ईजी है. ये मेन्यू एंड पेजेज आपके साइड में एक मेन्यू आ रहा है, इसमें आपके पास ऑप्शन है मेन्यू एंड पेजेज, बैकग्राउंड, एड, एड एप्स, मीडिया, स्टार ब्लॉगिंग और बुकिंग. 7 टूल आपके पास आते हैं, एक टूल बार है ये लेफ्ट साइड में. मेन्यू एंड पेजेज पे जाके कितने पेज हैं आपके पास आप मैनेज कर सकते हो. यहाँ अबाउट है तो मैं यहाँ अबाउट लिख देता हूँ. अबाउट एसडी श्वानकार, हेल्दी लिविंग, हेल्दी लिविंग वाले पेज को मैं लिख देता हूँ. रैकी ले लीजिए, या आप उसका कोई और नाम ले सकते हैं. देखिए आप ऊपर नाम चेंज होते जा रहे हैं जैसे ही मैं नाम चेंज कर रहा हूं. रैकी बुकिंग, ये आपके पेज का नाम चेंज हो गया. ये आपको रेसिपी की जगह कुछ और चाहिए
मान लिया सर्विसेज बाय एसडी श्वानकार कि जो भी सर्विसेज हैं वो एक पेज बन गया आपका, कॉन्टेक्ट अस में कॉन्टेक्ट अस हो गया, बीच में और कुछ लिख सकते हो, यहां आप गैलरी लिख सकते हो, आप गैलरी दे सकते हो, ये लीजिए सब आपके पेजेस के नाम चेंज हो गए। आप यहाँ लोगो ला सकते हो, चूज योर प्राइसिंग प्लान, आपको यहाँ अगर पैसे का प्लान भी देना है तो आप यहाँ से वो भी दे सकते हैं, और ये 5 पेज की वेबसाइट आपकी रेडी हो गई। यहां से आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। अब मैं आपको वापस लेके जाता हूं कि ये बाकी ऑप्शंस क्या है। यहां से बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपके पास बैकग्राउंड चेंज का ऑप्शन है। मैं आपके ये होम पेज आ गए हम, जहां का भी बैकग्राउंड चेंज करना हो वहीं आप इस बैकग्राउंड से चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर या इमेज। मैंने यहां एक इमेज डाल दी बैकग्राउंड में, यहां बैकग्राउंड भरा हुआ है इसलिए आपको वो इमेज दिखाई नहीं देगी, ऑलरेडी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। यहां कोई ऐड करना है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है आपको, कोई बटन ऐड करनी है, कोई गैलरी, डेकोरेटिव, इंटरैक्टिव, बॉक्स, स्ट्राइप, लिस्ट, वीडियो, कुछ भी देना हो सब तैयार पड़े हैं आपके। कुछ भी आप क्रिएट नहीं करना, डिजाइन नहीं करना, यहां से पकड़ा। जैसे मैं आपके एक पेज पे जा रहा हूं, गैलरी वाले पेज पे, गैलरी वाले पेज पे आप चाहते हो कि आपके सारे फोटो जितने हैं वो वहां आ जाएं। ये आपका गैलरी वाला पेज है। मैं बैक टू एडिटर गया, गैलरी पे जाने के बाद मैं चाहता हूं कि यहां से ये जो लिखा है इसको हटा दी हूं। अच्छा, वो कहता है कि प्राइसिंग प्लान है ये यहां से नहीं हटेगा, प्लान चेंज आपको पेज ही चेंज करना पड़ेगा, इसका पर्पज है प्राइसिंग का। चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, और यहाँ आपको चाहिए गैलरी तो आप यहाँ से ऐड करो गैलरी और सीधे गैलरी पर जाएं। गैलरी में ये चाहता है, ये आपको ऑप्शन देता है कि कैसे दिखाना चाहते हो आप अपनी फोटोज को। मैंने एक ऑप्शन यहाँ से ले लिया कि बीच वाला फोटो मेरा बड़ा दिखाई दे, लीजिए। अब ये इसने मेरे को यहाँ एक खाली टेम्पलेट दे दिया, इसमें मैं अपनी फोटो लिख दूं। ये इसने ऑलरेडी फोटो दे दी, ये देखिए। अब इन फोटोज में आप अपनी फोटो रख देंगे तो वो कैसे दिखाई देंगी इस पेज पे, ऐसे आप स्लाइड करते जाओ सारी फोटो आती चली जाएंगी। इसमें फोटो पर क्लिक करके आपको सिर्फ फोटो बदलनी है, आपके कंप्यूटर पर जो फोटो हो वो अपलोड कर दो, ये आपकी गैलरी बन गई। सिंपल, इतना हैंडी है, ये आपकी गैलरी बन गई। आप टेस्टिमोनियल डाल सकते हो, पेमेंट प्लान डाल सकते हो, ये सब कुछ अवेलेबल है आपके पास साइट में। जी तो मेन्यू एंड पेजेज मैं आपको ये बता दूं, यहाँ साइड में सारे मेन्यू एंड पेजेज यहां से कंट्रोल हो सकते हैं। मेन्यू एंड पेजेज में होम पे क्या लिखना है, इस पेज को छुपाना है वेबसाइट से तो यहाँ एक बटन है छुपाने की, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहीं से आप SEO कर सकते हो, पेज को रीनेम कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, छुपा सकते हो, छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अबाउट एसडी श्वानकार का पेज है, यहां से जाना है यहीं से जा सकते हो, आप यहां से हाइड करें, इन सब का ऑप्शंस आपको यहीं मिल जाएंगे। नहीं, ये डुप्लीकेट करने का क्या यूज है? जैसे एक पेज बनाया आपने, हाँ, उस पेज को डुप्लीकेट करके नाम बदल दो उसका और उसके अंदर का कंटेंट बदल दो, ये डुप्लीकेट करने का मतलब। जैसे आपने एक पेज ऑलरेडी बना रखा था, उस पर मेहनत कर रखी थी, वैसा हाँ। ही एक पेज और बनाना है तो वो कहता है उसको एज इट इज डुप्लीकेट कर लो, जो चेंज करने है उसका नाम बदल के, वो ऐसे ही कर दो, आपको 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हम विक्स उसमें कर रहे थे, वर्डप्रेस में,
जैसे कॉपी करते हैं ना वर्ड में, हाँ, कुछ सब कुछ कंटेंट कॉपी किया और वो रख दिया, सेम यहाँ वो कॉपिंग ऑप्शन है उसका। और अगर कोई इमेज बैकग्राउंड कुछ भी मुझे ऐड करना है वो मैं यहाँ से कर दूंगा सर। ऐड वाला ऑप्शन इसके पास जो प्लस वाला साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ है, यानी जो कुछ मुझे क्रिएट करके डालना है उसके ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने पड़े हैं, सिर्फ वहां से क्लिक करके पिक करना है, जिस पेज पे पिक करेंगे वहीं क्रिएट कर देगा, इतना हैंडी है। जैसे यहाँ इमेज अगर मुझे, मैं चाहता हूं कि मेरी इमेजेज अलग तरीके से आए, तो मैंने यहां से, इसका अपना इमेज का स्टोर होगा वहां ऑनलाइन, ये अपना इमेज स्टोर है उसका जिसमें इसकी अपनी इमेज रखी है, और जो इमेज आप डालोगे अपने कंप्यूटर से वो सब यहां स्टोर रहती है। ये सर मैंने जो बनाई थी जी, इसमें ये होम पेज पे बैकग्राउंड, मेरी आवाज आ रही सर आपको? हाँ आ रही है। हाँ अगर आप स्क्रीन पर दिखा सकते हो, आप में से जिस जिसने बनाई हुई है प्लीज आप स्क्रीन पर ले सकते हैं अपनी वेबसाइट, और आपकी जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं आज। स्क्रीन पे कैसे लाएंगे वो मेरे को आइडिया नहीं है। शेयर आप करो सर। सर मुझे ब्लॉग का बता दीजिएगा जरूर। ब्लॉग बिक्स पर ब्लॉग क्रिएट करना मैम। रेनू सोपती जी बिक्स पर ब्लॉग क्रिएट करना पूछ रहे हैं आप? जी सर। जी अच्छा ठीक है। तो स्वर्णकार जी yes, आप उसमें अपनी वेबसाइट में जो कुछ आप करना चाहते हो, मैं आप सबको पहले एक ये बात बता दूं, आप अपनी वेबसाइट में जो कुछ रखना चाहते हो जो आपके माइंड में है और जो अभी तक आप वर्डप्रेस पे नहीं रख पाए टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वजह से, कि मैं ये करना चाहता था, मैं ये करना चाहती थी पर मैं कर नहीं पा रही हूँ, टेक्निकली मैं इतना नहीं निकाल पा रही, नहीं निकाल पा रहा, तो यहाँ बिल्कुल हैंडी है विक्स में उठा के, बस आपको पिक एंड ड्रॉप करना है, इधर से उठाया यहाँ रखा, इधर से उठाया यहाँ रखा, नेम चेंज किया और स्टार्ट हो गया आपका काम भी, आपकी वेबसाइट बन गई। तो आप वो आउटलाइन यहाँ क्रिएट कर सकते हो, आप प्लीज वो तो क्रिएट कर दो, और फिर वर्डप्रेस पे आपने क्योंकि वहां होस्टिंग ले ली है और वो आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन है वर्डप्रेस, तो आप वर्डप्रेस पर ही करना इस काम को, और वर्डप्रेस पर करने के लिए पर जो आउटलाइन चाहिए आपको वो यहाँ बहुत परफेक्टली डिजाइन हो सकती है। अगर आप इस पर बिक्स पर आउटलाइन को बहुत परफेक्टली डिजाइन कर गए तो आप इसको थोड़े दिन अपने डोमेन को यहाँ कनेक्ट करके चलने दो, फिर वर्डप्रेस पे आप उसकी परफेक्ट वेबसाइट क्रिएट कर लो और फिर डोमेन को यहाँ ट्रांसफर कर देना, आपके पास इमीडिएटली वेबसाइट लॉन्च करने का एक दिन में ऑप्शन है तो बिक्स है, और अगर आप बहुत परफेक्ट वेबसाइट बनानी है लॉन्ग रन के लिए तो वर्डप्रेस है। तो अब आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपनी वेबसाइट को बिक्स पे क्रिएट करो और उसमें जो इश्यूज आपको आते हैं वो वन ऑन वन मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं वो फोन करके पूछ सकते हैं, या फिर एक क्लास और हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब करेंगे जब आपकी ये वेबसाइट रेडी हो गई होगी और उसमें हम आपकी सारी क्वेरीज को रिजोल्व करेंगे, एक क्लास बचती है हमारी, इसमें आप चाहो तो उस क्लास में मैं और नमन दोनों आ जाएंगे, आपकी वर्डप्रेस और बिक्स दोनों की प्रॉब्लम्स को उसमें हम रिजोल्व कर लेंगे। तो बिक्स से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो आप सब मुझे पूछ सकते हैं आज। मैं आपको ब्लॉग पे लेके चलता हूँ रेनू मैम। सर मैं तो स्लाइड से चुन नहीं पाई क्योंकि वहां ब्लॉग्स का मुझे समझ नहीं आया, वो रेस्टोरेंट सर उनकी बुकिंग थी सो आई कुड नॉट मेक इट, यू नो मैं कर ही नहीं पाई, इसमें स्टार्ट ही नहीं कर पाई। कोई बात नहीं मैं बताता हूँ, चूज अ टेम्पलेट लो आप, अभी एडीआई के साथ जाने के बजाय यहाँ से चूज एंड टेम्पलेट्स लें। चूज एंड टेम्पलेट्स में आपके पास ऑप्शन है कंसल्टिंग एंड कोचिंग सर्विस मेंटेनेंस
ये अभी हम एडवर्टाइजमेंट, यहां हम किधर जाएंगे, स्पोर्ट्स में ब्लॉगिंग, रदर आई वुड लाइक कि अगर मुझे ब्लैंक पेजेस पे ही बनाने का मिल जाए तो इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। मैम ये ब्लॉग थोड़ा सा, इसमें ब्लॉग है, देखिए पर्सनल ब्लॉग है, फूड एंड ट्रेवल का ब्लॉग है, न्यूज एंड बिजनेस का ब्लॉग है, आर्ट्स का ब्लॉग है, फैशन एंड ब्यूटी, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस एंड पॉडकास्ट। मैं स्पोर्ट्स एंड वेलनेस को लेता हूँ तो ये स्पोर्ट्स एंड वेलनेस पे ये आपको ब्लॉग्स के ऑप्शन दे रहा है, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, हेल्दी लिविंग, ई स्पोर्ट्स टीम, स्पोर्ट्स ब्लॉग एंड पॉडकास्ट और या स्पोर्ट्स ब्लॉग एंड पॉडकास्ट विल बी गुड सर। चलिए स्पोर्ट्स ब्लॉग एंड पॉडकास्ट को आप देखें, ये कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा, फुल व्यू इसका ये ऐसे जाएगा, यहाँ फोटो होगा और साइड में सारा डिस्क्रिप्शन होगा जी। अभी हम चलते हैं इसमें, ये ओपन कर रहा है आपके लिए, इसमें स्वर्ण कार जी की, बिकॉज मेरे पास रिटर्न मटेरियल ज्यादा रहेगा और बोलने का ज्यादा रहेगा। ठीक है, स्वर्ण कार जी क्लियर हो गया आपको? जी स्वर्ण कार्ड जी को पूछ रहा हूँ, उनकी वेबसाइट को मैं हटा दूं अगर वो क्लियर हो गया हो तो उनको। हाँ वो तो क्लियर, उसका लिंक सर आप मुझे लिंक दे सकते हैं, दीजिए तो उसको मैं अच्छी तरह से स्टडी कर लूंगा, लिंक भेज। कोई दिक्कत नहीं सर, वो मेरे मैंने अपने उसमें बनाई है सर, मेरी वेबसाइट भी उसी में पड़ी है, बहुत हैंडी है ये, 5 मिनट के लिए आपकी, तो आप जब भी ऑन करेंगे ये तो तभी तैयार हो जाएगी। लीजिए रेनु सोप्ति मैम, ये आपका टेम्पलेट आपके सामने आ गया। रेनु मैम आप सुनाई पड़ रहा है आपको? रेनु मैम यस सर, ये आपका टेम्पलेट आ गया सामने ब्लॉग का, यहाँ ये हैंडी है, ये आपका होम पेज होगा और उसके बाद होम पेज पर ये कुछ आपके एक्टिविटीज हैं जिनको आप रख सकते हो, हाइलाइट्स यहाँ रहेंगे आपके और यहाँ पोस्ट रख सकते हो आप डिटेल्स डाल के, और उसके बाद यहाँ आपके पास ये ब्लॉग है, पॉडकास्ट है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्लॉग में यहाँ आप अपनी ब्लॉग कंटेंट्स फिल कर सकते हैं, इट इज ओपनिंग लोडिंग समथिंग, बिल्कुल रेडी पड़ा है, आप ये तो शुरू ही कर सकते हैं, आपको उस पर जाके ना और डेटा लगाओ और शुरू करो। ये ब्लॉग का फॉर्मेट ऐसे आएगा, अब यहां आपको अगर फीचरिंग करनी है उसकी, फुटबॉल बेसबॉल, अगर आपको क्रिकेट की करनी है तो सिर्फ एक ही का रहेगा, और ठीक है जी। ये देखिए ये पूरा फॉर्मेट तैयार पड़ा है आपके, किस डेट का है ये, उसकी इमेज आ गई, यहाँ हेडिंग आ गया, यहाँ उसका इलस्ट्रेशन आ गया, वेरी गुड,
कमेंट्स कोई आएंगे तो वो भी यही आ जाएंगे, आपको कमेंट्स की काउंट आ जाएगा आपको, ठीक है। ये पोस्ट कहीं शेयर करनी है, यू कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर ओनली। ये तो बहुत बढ़िया हो गया सर। तो सर ये इसके ऊपर आप अगर क्लिक करें, जो भी किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए वो खुलता है आर्टिकल, ये यहाँ से जैसे हाँ इसकी साइड में हाउ वी वुड इम्प्रूव रेट 100% खुलेगा, 100% ओपन होगा, जहां भी वो डेटा रखा है उसका वहां से लाके उसको ओपन कर देगा जी। सर इसमें न्यू पोस्ट कैसे डालेंगे? बहुत सिंपल है, ये देखिए हाँ, जैसे मैंने क्लिक किया है, रियली गुड सर। हाँ अब न्यू पोस्ट हाँ, कैसे डालोगे ठीक आप, है। आप इसी को कॉपी कर लोगे वहां, देखिए मैं यहाँ आपको एडिट में एडिटर पे जाना है, बैक टू एडिटर गए, एडिटर में जाने के बाद अब यहाँ आप एडिट करेंगे सारा, मैनेज पोस्ट पे गए, अब ये पोस्ट में okay. अंदर आपके सारी डिटेल आप यहाँ फिल करने के लिए। अच्छा ये जो प्लस, ये सर ये प्लस का जो लेफ्ट में साइन आ रहा है, इसमें से शायद न्यू पोस्ट में आएगा? नहीं यहाँ प्लस एड न्यू, हाँ इसी में ही शायद आ जाए, इसमें से नहीं आएगा क्योंकि एड न्यू ब्लॉग तो यहाँ से आपको, यहाँ से ब्लॉग ऐड कर सकते हो, यहाँ से तो बड़ी बड़ी चीजें ऐड कर सकते हो आप, पोस्ट ऐड करने के लिए तो यही ऑप्शन है आपके पास। ओके ओके ये यही ऑप्शन देगा पोस्ट ऐड करने के लिए। ओके ओके सो न्यू पोस्ट और न्यू पेज एवरीथिंग वो यही कर सकते हो आप, करना शुरू करना और मुझे रिंग देना वहां से, ठीक है सर। ठीक है पेज लोड कर रहा है, यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर देगा और 2-3 दिन में ही आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी अगर आप यहाँ से इसके रेडी कंटेंट्स को आप यूज करना शुरू करो तो। लोड कर रहा है तो सर ये अलाउ करेंगे कि हम इसे ऑपरेट कर सकें या लिंक भेज सकें किसी को, कोई और भी देख ले? 100% अलाउ करेंगे, इनका काम ही है। अच्छा बिल्कुल अलाउ करें, आपको इनका प्लान लेना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा बिना किसी पेमेंट के। नहीं देखो आपको तो इसका प्लान लेना पड़ेगा ना, आपको जो शुरू में 125 रुपए महीने वाला प्लान है, एक साल का वो प्लान अगर आपने ले लिया तो कितना 1800 रुपए बना एक साल के लिए, और अभी 2-4 दिन में कोई अगर इनका ऑफर आ जाएगा तो 50% ऑफ आ जाता है, 800 रुपए में वो आपका काम हो जाएगा, आपने डोमेन क्लिक किया और इस पर काम करना शुरू किया, एक साल के लिए वेबसाइट होगी, ठीक है। तो आपको अब ये कहाँ मिलेगा? ठीक है ये तो बढ़िया बढ़िया होगा। हाँ स्पोर्ट्स एंड वेलनेस में जाके ब्लॉग ले लेंगे और स्पोर्ट्स ब्लॉग एंड पॉडकास्ट वाला आप टेम्पलेट उठा लेंगे और उसमें एडिट करना शुरू कर दो, दैट्स इट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बिकॉज़ आई वाज रियली कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं। कहां से ले लूं आईडी? चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज। नाहिद मैम आपका क्या हाल है वेबसाइट का आपकी का? सर ये मैंने इसमें जो ट्राई किया था उसमें इमेजेस सब उठपटांग, यानी वो सेम साइज की नहीं आ पा रही है। अच्छा तो उसमें क्या करोगे सर, जब आप इमेज डालते हो ना स्वर्णकार जी, हाँ उसकी सेटिंग में 3 ऑप्शन होते हैं इमेज के लिए। हाँ इमेज की सेटिंग होती है, एक तो वो कहता है कि क्या मैं आपकी इमेज को खींच के पूरी जगह में भर दूं, जो जो जगह इमेज हाँ। के लिए बनाई हुई है तो उसको कहेगा वो स्ट्रेच टू फिल, जैसे हाँ। ये इमेज मुझे, देखिए मैं किसी एक इमेज पर जाता हूं, ये तो पोस्ट है इमेज नहीं है, और मैं होम पेज पर जाता हूं इनके, ये होम पेज है इनका, अब इस होम पेज पर मुझे कोई इमेज चेंज करनी है इनकी, यहां भी पोस्ट ही है वही इमेज होगी, इसमें टाइम लेगा, तो वहां 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, या तो इमेज को टाइलिंग कर दो, यानी उस पूरी जगह में आपकी जो साइज की इमेज है वैसी 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 इमेजों से भर दे, या ओरिजिनल साइज में रहने दोगे तो आप उस ओरिजिनल छोटे साइज में रहेगी वो, मैं आपकी साइट खोलता हूं उसी में, इधर तो अभी देर लगेगी पोस्ट ओपन करने में,
नहीं इसमें मेरा नेट स्लो है आज, वाईफाई चले गए सब। आज बारिश में हमारे सारे वाईफाई और पावर सब उड़ गए, वो मोबाइल डेटा पर ऑपरेट कर रहे हैं। अभी इसे ओपन होने देते हैं। चलिए इसने मेरी वेबसाइट खोल दी, मैं आपको यही इमेज चेंज करके बताता हूँ सर। ये देखिए सर, ये मेरी एक इमेज है और नहीं दिख रहा है। एक मिनट में अभी अभी दिखेगा सर, दिखाई दे रहा सर? हाँ, अब स्क्रीन दिखाई दे रहा। तो स्क्रीन पर जैसे मैंने यहाँ ये इमेज डाली है इस जगह पे, तो ये यहाँ चेंज कॉलम बैकग्राउंड आएगा। चेंज कॉलम बैकग्राउंड में यहाँ एक इमेज है और बीच में सेटिंग लिखा होगा, तो सेटिंग पे जब जाएंगे तो नीचे ये पूछता है कि आपकी हाउ द इमेज इज स्केल्ड, तो उसको बटन दबाओगे तो ओरिजिनल साइज, स्केल टू फिल या टाइल। अगर मैं टाइल कर दूंगा तो ये या तो ऊटपटांग कर देगा, या बड़ी कर देगा, छोटी कर देगा। स्केल टू फिल करूंगा तो ये जितनी जगह थी उसमें इमेज को फिट कर देगा अपने आप। ओरिजिनल साइज करूंगा तो साइज अगर इमेज का मेरी जगह से बड़ा होगा तो उसे फैला देगा, छोटा होगा तो खाली रह जाएगी जगह। तो मैं इसमें स्केल टू फिल कर दूंगा तो ये चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो उसमें फिट कर देगा इमेज को। और देखो ये इसने फिट कर दी। तो आप स्केल टू फिल पे रखें तो वो आपकी इमेज को फिल कर देगा। यहां से आप इसे चेंज कर सकते हैं सर। एक बार यही ऑप्शन एक बार और बता देंगे? हाँ बिल्कुल। जैसे ये इमेज है, ये वाली इमेज है देखिए, और इस इमेज में जैसे ही क्लिक कर दोगे एडिटर पे जाके तो यहाँ ऊपर ऑप्शन देगा मैनेज कॉलम, चेंज कॉलम बैकग्राउंड। तो चेंज कॉलम बैकग्राउंड पे बटन दबाया तो ये यहाँ दो ऑप्शन देता है कि आप इमेज चेंज करना चाहते हो या आप सेटिंग चेंज करना चाहते हो। तो मैंने कहा सेटिंग चेंज करनी है मुझे, तो सेटिंग पे क्लिक किया तो वो ऑप्शन देता है इमेज की ओपेसिटी कितनी रखनी है, इमेज के पीछे कलर कौन सा रखना है, और स्केल टू फिल यहाँ इमेज की स्केलेबिलिटी क्या है, यानी उसको फैला के रखना है, टाइल करना है। जैसे मैंने टाइल किया तो ये देखना इसको दो टाइल बना दिए उसने। मेरी इमेज छोटी थी तो उसने उसकी तीन वैसी की वैसी इमेज मेरी जगह पे भर दी, टाइल बना के लगा दी। टाइल मेरे को खराब लगेगी या फिर मैं ओरिजिनल साइज कहता हूँ तो ओरिजिनल साइज मेरी फोटो का बहुत छोटा है तो बैकग्राउंड दिखाई देना शुरू हो गया तो ये गड़बड़ हो गई। तो मुझे क्या करना है, जितनी जगह है मेरी उतनी में मेरी इमेज चाहे छोटी है चाहे बड़ी है उसको फिट कर दो। तो फिर मैं स्केल टू फिल कर दिया बस। अब इसने इमेज को उठाया, चाहे छोटी करनी पड़ी चाहे बड़ी करनी पड़ी, उठा के इसने अपने आप फिल कर दिया और मेरी इमेज पूरी फिल हो गई। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके वेलकम जी। स्वर्णकार जी समझ में आ गया? जी जी। ओके जी। तो मैम ये आपके ब्लॉगिंग वाला भी मैंने ओपन किया था, अभी हुआ नहीं। ब्लॉग वाला थोड़ी देर लेता है ओपन होने में, ये लोड हो रहा है अभी। बट रेनू मैम आप कर पाओगे, और कहीं आप अड़ो तो मुझे रिंग देना प्लीज वहां से। ठीक है सर, कल ट्राई करूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू सर। अगली क्लास ना कम से कम 10 दिन बाद रखना। और अब फाइनल क्लास है, आप तैयारी कर लें, आप अपनी वेबसाइट्स बनाएं, और जहां आपको इश्यू आता है वेबसाइट में, जो जो इश्यू आते हैं उनको नोट कर लेना, और मोस्ट प्रोबेबली अगले संडे को लेंगे फिर हम। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट संडे को लेंगे, तब आप ये सारे काम कर चुके होंगे। बीच में जहां भी आपको इश्यू हो प्लीज मुझे या नमन को आप कॉल करना,
और तब तक आप अपनी वेबसाइट को रेडी कर लेना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके। नाहिद मैम, आपकी वेबसाइट का क्या हाल है? सर अभी श्री गणेश करनी है। मैम कर लो, जल्दी कर लो। हाँ सर प्लीज, पक्का कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि आप जितनी जल्दी पूछते जाओगे, अभी तो हम सब ग्रुप में भी हैं, तो यस सर, ग्रुप में जितनी जल्दी हो जाता है ना वो जाए। और सर संडे को क्लास मत लीजिएगा प्लीज, लाइक मंडे टू फ्राइडे कभी आप तैयार हो जाओ, आप सारे तैयार हो जाओ तब क्लास कर लेंगे, जिस दिन आप सब, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, वेलकम, ओके बाय।